सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज अपना टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बहुत सारी रिएक्शंस है। आज हम लोग ओनली पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं, फिर बाद के एक लेक्चर में ओनली पढ़ेंगे कि कीटोन्स कैसे बनाते हैं और उनके बाद एक पढ़ेंगे कि ओनली एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो पहले हम लोग कंबाइन देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप लोग दो सब्सटेंस से बना सकते हो, दो कंपाउंड से बना सकते हो। पहला कंपाउंड हम लोग यहाँ पे लेने वाले फ्रॉम एल्कोहल, ध्यान से समझना, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल में दो टाइप्स के रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे है आपके पास ऑक्सीडेशन, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग यहाँ पे ले लो, पीसीसी भी ले सकते हो, लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे, पीसीसी यानी पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आप लोग K2Cr2O7 भी ले सकते हो, बट मोस्टली हम लोग पीसी से ही लिखेंगे क्योंकि हमें एल्डिहाइड चाहिए। अगर K2Cr2O7 लेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पीसीसी यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेने हैं। दो पॉइंट है आपके पास। पॉइंट नंबर वन कि मान लो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल विच इज गिव्स एल्डिहाइड। ध्यान से पॉइंट को समझना कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको ऑलवेज प्रोडक्ट कौन सा देगा, वो एल्डिहाइड देगा। एक रिएक्शन से बात हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्राइमरी है CH3CH2OH, मेरे पास है CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है जिन्हें हम लोग इथेनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसीसी ले लिया और ऑक्सीडेशन किया। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से आपको ये हाइड्रोजन निकाल लेने हैं। हाइड्रोजन निकाल लिया, माइनस होगा H2O, प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3CHO, यानी ये हो गया अपना एल्डिहाइड। पॉइंट नंबर सेकंड, कि मान लो आपके पास है सेकेंडरी, मान लो आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल तो ऑलवेज आपको प्रोडक्ट देगा वो कीटोन। ध्यान से समझना, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी कीटोन। कैसे? एग्जांपल देखते हैं, CH3CHOH CH3। तो फिर से यहां पे पीसीसी या KMnO4 भी लिख सकते हो, यहाँ पे KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दू KMnO4। देखो यहां पे भी सेम होगा अपना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, माइनस H2O, यहां से ऑक्सीजन, दोनों के बीच होगा डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट होगी अपनी CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये हो गया अपना कीटोन। तो पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में दूसरा एक तरीका अपने पास होता है, दूसरी रिएक्शन, जिन्हें हम लोग कहते हैं डी हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन गैस निकालनी है, सेम एज होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आपको करना है डीहाइड्रोजिनेशन, यानी यहां पे लिखता हूं मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको रिमूव करने हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? कुछ कैटलिस्ट लेने होंगे, कुछ कैटलिस्ट में आप लोग सब्सटेंस है इनके प्रेजेंस में आपको हीट करना है अल्कोहल को। तो हैवी मेटल से कुछ, तो कौन सी है, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल को आपने यहाँ पे ले लिया RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, तो
उनमें से आपको मिल जाएगा एजी, अदरवाइज कॉपर, हीट किया, यहां से हाइड्रोजन रिलीज, माइनस एच टू, प्रोडक्ट होगा अपना आर सी एच ओ। तो पॉइंट इसके जैसा ही है, जो रिएक्शन कंडीशन है वो डिफरेंट है। यहां पे ऑक्सीडेशन किया, यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन किया, दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए और यहां पे कुछ हैवी मेटल्स यूज की और हीट किया। तो ये फर्स्ट प्राइमरी होगा तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल आर वन सी एच ओ एच आर टू, सेम रिएक्शन कंडीशन, तो आपको मिल जाएगा यहां पे माइनस हाइड्रोजन, मिल जाएगा आपको यहां पे कीटोन। तो ये स्टूडेंट्स हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। एक में एल्डिहाइड बनाया, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम एक ही मेथड से बना रहे हैं और वो बनाया हमने फ्रॉम अल्कोहल। तो इनको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके, कर लिया। तो सेकंड अपने पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दो ही तरीका है, फ्रॉम अल्कोहल और सेकंड अपने पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शन भी एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाइड्रोकार्बन में से भी आपके पास दो तरीके हैं कि हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक तो अल्किन और अल्काइन दोनों में से बना सकते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में पहले ही मैं ले लेता हूं यहां पे फ्रॉम अल्किन, यानी होगा सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया अपना अल्किन कंपाउंड। इनकी अनदर नेम, रिएक्शन का अनदर नेम होता है और ओजोनोलाइसिस, इन्हें हम लोग कहते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, यानी ओजोन के साथ अल्किन का रिएक्शन करना है और ओजोनाइड्स बनाना है। तो सिंपल से रिएक्शन से एग्जांपल देखते हैं। पहले मान लो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो ये मेरे पास है प्रोपीन, ये मोलेक्यूल हो गया मेरे पास प्रोपीन। रिएक्शन विथ ओजोन, ध्यान से देखना रिएक्शन। तो यहां पे ऑलवेज ओजोन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ साइक्लिक कंपाउंड बना देगा, ओजोनोलाइड कंपाउंड बनाता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, दो ऑक्सीजन नीचे, और एक पूरा साइकिल बना देता है। ध्यान से प्रोडक्ट देखना, सी एच थ्री का सी एच थ्री सी एच, ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन सी एच टू, दोनों के बीच के डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन, यहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन और बॉन्ड, इन्हें हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड जो अनस्टेबल होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और इनको हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, जिंक प्लस एच टू ओ के प्रेजेंस में इनको हम लोग ब्रेक डाउन करें। तो क्लेवेज ऑलवेज कहां से होगा, ध्यान से देखना, ये अपना एक प्रोडक्ट होगा, ये वाला क्लेवेज सी एच थ्री सी एच ओ, यानी मैंने लिख दिया सी एच थ्री सी एच ओ। यहां पे आप लोग सोच सकते हो ये बॉन्ड क्लेवेज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट होगा अपना एक अल्डिहाइड, सेम एज ये भी अपना अल्डिहाइड होगा, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, यानी एच सी एच ओ सी एच टू ओ सी एच टू ओ। तो ये हो गया अपना एक एग्जांपल, दोनों अल्डिहाइड मिल रहे हैं, ध्यान से देखना रिएक्शंस। तो ये हो गया फ्रॉम अल्किन कंपाउंड और अनदर नेम है ओजोनोलिसिस। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे सेकेंड मोलिक्यूल में ये क्लेवेज होगा। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिले मिक्सचर के फॉर्म में। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मेरे पास है सी एच थ्री
CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये मोलेक्यूल्स है। यहाँ पे वैलेंसी बढ़ गई, देखो ये कुछ मेरे पास मोलेक्यूल्स है, एक मिनट, ओके ये मोलेक्यूल्स है मेरे पास, नेम हो जाएगा 1 2 3 4, 2-methyl-but-2-ene, रिएक्शन अपना सेम होगा, रिएक्शन अपना सेम जो आगे पढ़ा है, ओजोन, ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ओजोनोलाइट कंपाउंड हो गया फ्रॉम CH3, यहां पे ऑक्सीजन और दोनों नीचे ऑक्सीजन, ये ओजोन है, CH, यहां पे वैलेंस से बढ़ गई, ये कम कर दो, CH बॉन्ड CH3, तो ये हो गया पूरा ओजोनाइल। क्लीवेज करना है आपको कहां से, सेम एज यहां से काटा, यहां से काटा, ये हो गया एक CH3 CO CH3, यानी हो जाएगा कीटोन एसीटोन, और ये होगा CH3 CHO, यानी हो जाएगा अपना एल्डिहाइड। तो यहां पे आपको कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का मिक्सचर मिल रहा है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और मोलेक्यूल्स हमने अल्केन ही लिया है, नेम होगा 2-methyl-but-2-ene, और सेम एज रिएक्शन। लास्ट रिएक्शंस अपने पास है फ्रॉम अल्काइन, लास्ट रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हम लोग लेने वाले हैं अल्काइन, अल्काइन, तो अल्काइन यानी होगा C(CCC)। रिएक्शन कंडीशन सुन लो, मर्क्यूरी सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये अपना कैटलिस्ट है मर्क्यूरी सल्फेट, और आपको यहां पे करना है हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन, और सेकेंड स्टेप में हम लोग रीअरेंजमेंट देखेंगे, यानी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, CH(CCH) प्लस H2O, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं H2O, रिएक्शन होगा अपना HgSO4H+। देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड, एक के ऊपर आ जाएगा OH, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन, प्रोडक्ट अपना होगा CH और H, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये अपना हो गया प्रोडक्ट। यहां पे सेकेंड स्टेप होता है अपना रीअरेंजमेंट, यहां पे हम लोग कर रहे हैं रीअरेंजमेंट में ऑलवेज आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड करना है, यानी यहां से हाइड्रोजन हटाकर आपको टर्मिनल कार्बन पे एडजस्ट करना है, ये वाला हाइड्रोजन इनके पास, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, यानी प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इन्हें हम लोग कहते हैं इथेनॉल, ये हो गया अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। एक कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, सेम रिएक्शन, तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग CH3 C(CCH), मैंने एक प्रोपाइन ले लिया, सेम रिएक्शन HOH, यहां पे ये कार्बन पे OH, हाइड्रोजन, सेम कंडीशन HgSO4H+, रिएक्शन में होगा CH3 C OH, डबल बॉन्ड CH था और एक हाइड्रोजन आया, यानी CH2। सेकेंड स्टेप होगा अपना रीअरेंजमेंट, यहां पे लिख देते रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में जैसे ऊपर बताया आपको, हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पर, डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्टिंग, यानी प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
CH2 ये बॉन्ड यहाँ पे हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे यानी CH3, ये हो गया अपना कीटोन, इनको हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉन एसीटोन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की साथ में हमने सेम रिएक्शन से देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल दोनों प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।